got a feeling incomplete in my heart. Don't wanna go it alone, girl. We can never be apart. We can never be apart. You make me feel complete, cause you're a piece in my heart. You're the one for me, I knew it right from the start, yeah. We can never be apart. अपने रंग माए बिन मेरे रंग में घुल जाओ. अपने रंग माए बिन मेरे रंग में घुल जाओ. अपनी धूप बुझाए बिन मेरी छाँव में आ जाओ. चलो यूं can I have one portion of fried eggs, please? Sure, ma'am. Make that two, please. Ek mere liye bhi. Can you make that with egg whites only, please? Sure, ma'am. Thanks. Mere liye bhi egg whites mein hi banaiyega. Right, sir. Can you make that crispy as well, please? Main wahan baithi hoon. Sure, ma'am. Aapko bhi crispy pasand hoga. Aapko kaise pata? Guess kiya. Oh. Wahan baithi hai. Thanks. Main bhi wahin baitha hoon. जब लड़का अंडे ज्यादा खाने लगे तो इसका मतलब उसे उस मुर्गी से प्यार हो गया है जो अंडे देती है, या उस लड़की से जो अंडे लेती है. कौन है वो? कौन? लड़की? नहीं, मैं मुर्गी की बात कर रहा हूँ. डैड, हाउ कैन आई बी इन लव विद सम मुर्गी? थैंक यू बेटा.
वरना मैं चूजों का दादा होता। डैड आप भी ना, एनीथिंग। ऋषि वो आपके पीछे। डैड डैड क्या कर रहे हो? वो देख रही है। अरे कम ऑन डैड, डैड प्लीज। इलावा डोंट नो डैड बट या मुझे बहुत अच्छी लगती है। You know that the moment I saw her, I knew she's the one. I think I'm in love. तो जाके कह दे, I love you. It's not that easy, Dad. ऐसे कैसे बोल दूँ जाके? सही मौका आने पर बोल दूँगा। सही मौके का वेट करेगा ना, तो कोई और चौका मार देगा और तू थर्ड अंपायर बना देखते रह जाएगा। तेरी जगह मैं होता तो इस वक्त अपने बाप के साथ नहीं, उस लड़की के साथ अंडे खा रहा होता। Skip it, Dad. जाने दो ना। तुझे अपने बाप पे यकीन नहीं? मैं अभी उस नो अरे उसे नहीं। तो ठीक है, इस रेस्टोरेंट में बैठे किसी भी लड़की को पटा सकता हूं। रियली? ओके। कैसी रहेगी? कोई यंग नहीं मिली तुझे? आपके लिए यही मुश्किल होगी डैड। ठीक है बेटा, मैं इसे पटाता हूँ और तू उसे पटा, और अगर तूने उसे पटा लिया तो मैं तुझे डैड कहूंगा, और अगर आप उन्हें नहीं पटा पाए तो तू मुझे डैड कहना। ओके। मेरी फेवरेट किताब है। हाय, मैंने आज सुबह ही खत्म की। मैंने आज सुबह ही शुरू की है। सच अ कोइंसिडेंस, आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती है? डू आई नो यू? क्या हम पहले मिले हैं? हाँ। कहाँ? कभी? यहाँ अभी। इतने बड़े रेस्टोरेंट में आपको यही टेबल पसंद आया? देखा, मैंने कहा ना हमारी पसंद कितनी मिलती है। एक्सक्यूज मी, यू नो समथिंग, जब बचपन में एक बार मैं छोटा था तो एक लड़की थी जिसके साथ मुझे बैठना बातें करना अच्छा लगता था। वो लड़की मेरे साथ रहे इसलिए मैं हमेशा अपने पास दो टॉफी रखता था। जब वो जाने लगती तो मैं कहता टॉफी, वन फॉर यू वन फॉर मी। क्या हम थोड़ी? मुझे टॉफी पसंद नहीं है। कॉफी, वन फॉर यू वन फॉर मी। क्या हम थोड़ी देर? हेलो मैम, यू नीड सम हेल्प? ये बुड्ढा कहीं आपको छेड़ तो नहीं रहा? ये आपके पिताजी हैं। No thanks, I'm fine. मुझे चाय पसंद है। आई। Excuse me, tea for two, please. Actually, मुझे भी चाय पसंद है। तो फिर कॉफी क्यों कहा? वो कॉफी के साथ टॉफी सुनने में अच्छा लगता है। It rhymes, you see. क्यों लगता है मुझे कि आपको भी वाइट पसंद होगा? प्लीज। आपको नहीं लगता फूल देखकर फूल बनाने का तरीका पुराना हो गया? पर कुछ चीजें पुरानी होके और भी खूबसूरत हो जाती हैं, जैसे कि गुलाब, शराब
और आप? I'm flattered, लेकिन ये तरीका भी पुराना है। आप यकीन करती हैं? किस बात पर? Love at first sight पर यकीन करती हैं? शायद जो कहते हैं वो भी यकीन नहीं करते, क्योंकि पहली नजर में प्यार होता ही नहीं। तो फिर क्यों याद रहता है होठों का वो पहला स्पर्श? क्यों नहीं भूलता वो पहला ख्वाब? चैप्टर है, क्यों धरती को बारिश की? Excuse me, come again? मेरे दिमाग में कुछ नहीं। दिमाग से नहीं, दिल से, क्योंकि प्यार दिल से होता है और दिल वही करता है जो आत्मा कहती है। यह आत्मा हमेशा अपने साथी को पहचान लेती है। That's why they call them soulmates, because soul recognizes the soul, और दिमाग को पता भी नहीं चलता। और जो चीज दिमाग को समझ में नहीं आती उसे साइंस से जस्टिफाई किया जाता है, जैसे कि लव लस्ट और कुछ नहीं, हमारे अंदर के होने वाले केमिकल रिएक्शन से, जैसे एस्ट्रोजन, डोपामाइन, सेरोटोनिन। ये सुनने में इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो हो कैसे सकता है? आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपको कभी पहली नजर में प्यार हुआ है? अभी कुछ देर पहले। आप कहानी से भटक रहे हो। जब सच्चाई इतनी सुहानी हो तो कहानी का याद रहती है। मुझे लगता है आपकी कहानी को ज्यादा ही लंबा। प्लीज प्लीज शुरू करता हूँ। कहानी शुरू होती है शुरू से। यू नो समथिंग, कुछ नजारे ऐसे होते हैं कि नजर नहीं आती। ऐसा ही था वो नजारा। दूर दूर तक फैला नीला समुंदर और समुंदर के बीच सिमटी एक कहानी। हमारी माँ ने हमारी लाइफ का बैंड बजा रही है, इस तरह से बात है? रीना, मेरी माँ को बीच में लाने की जरूरत है। राइट, बीच में लाने की क्या जरूरत है? She's already there. You know what? ये सारी गलती तुम्हारी मम्मी की है। वैसे ही तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं होता है। इतनी मुश्किल से हम लोग यहाँ पर आए, लेकिन मैं भी go back. She's already going to be there. This is what you want, a super privacy. Happy? मेरी माँ वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आ रही है। Don't you understand this? तो तुम्हारे बड़े भाई के पास क्यों नहीं जाती? यहाँ क्यों आती हैं? That's because we both are doctors. You guys all right? No, we are married. इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने एक डॉक्टर से शादी की? You know what? जब से मैंने तुमसे शादी किया ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। It's just you and your mama. Mama, क्या कहेंगी आप? रीना, मामा के लिए परांठा बना। ये रीना है और ये निखिल। They were unhappily married. और जब मेरी मम्मी आती है ना, तो तुम्हारी शक्ल देखने वाली होती है। Yeah, like this, you know what, Dr. Nick, you're a very, very selfish man. अच्छा? तो क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? Why can't you leave me alone? It's simple, है ना? यहाँ पर आकर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। I'm going. Yeah, that's better. मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। आ जाओ। कभी नहीं आऊँगी। Please. Oh God, I'm in you. आ जाओ। समझ गया। जाओ। उधर जा। बोला रीना, नहीं नहीं नहीं। Don't touch me. विकी, नताशा, help me. ये विकी और नताशा हैं। नताशा का डांसिंग स्कूल है। ये और बात है कि वहां सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, विकी। दे वर हैप्पीली अनमैरिड। स्टैंड स्ट्रेट, हैंड्स अप। लगता है दोनों फिर से शुरू हो गए। तुम क्यों रुक के मूर्ति मो? विकी, हमने मुंबई में क्या डिसाइड किया था? जो भी गाली बकेगा उसे पूरे क्रूज का चक्कर लगाना पड़ेगा, वो भी बिना कपड़ों के। मुझे नहीं इसे बचाई, समुद्र में कूद के जान देने जा रही है। Are you mad? There are sharks in the water. Don't commit suicide. तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अगर मुझे, मैं सुसाइड नहीं कर रही, मैं अपना पर्स लेने जा रही हूँ। ओके, ये ले। तू तो यूं ही खुश हो रहा है। इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ना। यू नो व्हाट, You're sick. You're a bloody MCP. You are a bloody. Yeah, गाली नहीं, okay? Relax. तुझे पता है विकी, इस पूरी दुनिया में ना दो तरह की औरतें होती हैं। एक जिनके बिना रहा नहीं जाता, और दूसरी ये जिनके साथ रहा नहीं जाता।
मुझे तो तुमसे अभी के अभी डिवोर्स चाहिए। अभी यार अच्छा खासा मूड है, मुंबई चल के ले लेना प्लीज। अरे आई कांट टॉलरेट दिस गाय फॉर इवन हाफ अ सेकंड। मैं एक क्रूज जोड़ के जा रही हूँ। बट रीना हुआ क्या है? ये पागल हो गया, चलो दूर जाओ। गो देयर। इसकी बात। अरे इसकी बात। रीना तुम गाली नहीं दे सकती हो। अरे इसकी बात। रीना यू जस्ट कांट अब्यूज, ओके? आई एम नॉट अब्यूजिंग। मैं कह रही हूँ इसकी माँ का प्रॉब्लम है। उसे जुकाम भी हो जाता ना तो भी मुझे ब्लेम करती है। अभी तो शी रन फ्रॉम माय हाउस, अभी जस्ट कमिंग अगेन। या उसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं अपनी माँ को बुला लेता हूँ। नटी अपनी माँ को भी बुला लेंगे। वी विल ऑल हैव अ पार्टी। मदर्स पार्टी। आई एम गोइंग। अजय कहाँ है? हट। और तू समुंदर में जा। तू जा मछलियों के साथ तैर, मम्मी के साथ तैर। स्टूपिड, इट्स टू हॉट। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ नटी। हाँ मैं तुम्हारे लिए रिंग लाया हूँ। वो भी सॉलिड सॉलिड एयर है। 3 लाख की है लेकिन मुझे 2.90 में पड़ी है, यू नो। अजगर मारूं मैं? विक्की अर्ली बच्चा, अभी तो तुम्हें 3 स्टेप भी नहीं आते डांस के। मैं चाहती हूँ कि एज मैन एंड वाइफ वी शुड डांस ऑन द सेम रिदम। चल लेट्स डू द चा चा चा। अच्छा तो ये इनकी कहानी है? ये कहानी है इनके साथी अजय की। अजय स्मार्ट सेक्सी सेंसिटिव सेंसिबल सिंगल साइकेट्रिस्ट। इस ग्रुप का सबसे होनहार शैतान, बातें ऐसी के दीवाना बना दे और चाम ऐसा कि बचने का कोई चांस नहीं। आप अगर मिलती तो डेफिनेटली प्यार करने लगती। अजय दिखने में कैसा है ये? अजय दिखने में इमेजिन मी 25 साल पहले, 25 years ago। अजय मैं जा रही हूँ। अभी तो ठीक से आई भी नहीं। मैं क्रूज छोड़ के जा रही हूँ। 2 मिनट दो, मैं भी चलता हूँ। इस स्टेज पे क्रूज अबॉर्ट करने का मतलब जानती हो? इट्स लाइक अबॉर्टिंग अ चाइल्ड इन द 7th month। डायना को समझ सकती हो? इट्स नॉट पॉसिबल। कितना नुकसान होगा और कहीं इन्होंने रास्ते में उतार दिया तो चल के भी घर नहीं जा सकते। But excuse me, pregnant कौन है? अजय मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो मेरे साथ रह लो। तो मैं क्या करूँ? तूने लास्ट कब कुछ किया था? तू वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है बेटा, जाके नेट प्रैक्टिस कर। अबे तेरी माँ का देख संभाल के, तेरी माँ की वजह से पहले ही प्रॉब्लम हुआ था। Listen, that's it. I wanna go and right now. Okay. देखो हमें मान लेना चाहिए कि रीना और ये सोडियम सल्फेट साथ में नहीं रह सकते और ये क्रूज को बीच में छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो बीच समुंदर में एक ही रास्ता है। बीच समुंदर में भी रास्ता है? इन दोनों का डिवोर्स करा देते। 100% तू अपनी वेडिंग रिंग उतार के दे दे। मैं रिंग पहनता हूं। सी आई टोल्ड यू ही डजंट लव मी। अच्छा तो तुम उतार के दे दो। ऑफ कोर्स बाथरूम में रहेगी ना। लो इनका तो पहले ही डिवोर्स हो चुका है और हम खामखा में ही। मुबारक हो जी, मुबारक हो। मुंबई चल के पेपर्स रेडी करवा दूंगा। ओके प्लीज। ओके देन लेट्स सेलिब्रेट यार। Let's have a drink. और ये कहानी है पिया की। ब्यूटीफुल सेक्सी सेंशियस गॉर्जियस, स्माइल ऐसा कि होश उड़ा दे, स्टाइल ऐसा कि पैंट बजा दे। एक बार प्यार से देख ले तो फिर कुछ और दिखाई ना दे। What can I get you, sir? अच्छा ये बताओ ये पिया ये देखने में कैसी थी? बिल्कुल इनकी तरह। You mean ये भी 25 साल पहले? कोई फर्क नहीं पड़ता। Can I take your order, sir?
anything you desire, sir. You. I beg your pardon? Done. इतनी स्वीट सूरत इंडियन ही हो सकती है आप इंडियन है ना है ना है ना Will you change the taste of your drink, sir? No, 5 vodkas, please. Thank you. I think ये नेपाली हैं, है ना? कोई पिया थापा, है ना? जी. लेकिन लगती बिल्कुल इंडियन है. मैं जैसी लगती हूँ वैसी हूँ नहीं, और जैसी हूँ वैसी लगती हूँ. पर जैसी भी लगती हैं, क्या लगती हैं? वेरी गुड. हे गाइस, योर 5 टेकीला सर. पर हमने तो वोडका ऑर्डर की थी ना. नो, आई थिंक आपने टेकीला ऑर्डर की थी ना. But I can get the vodka. It's not a problem, really. कोई बात नहीं. Next time vodka भी नहीं होगी, तो tequila order कर देंगे. Are you sure? Always. Okay. Enjoy your drinks. Drinks, please. Drinks, please. Lacey, could you help these gentlemen, please? Thanks. Lacey will help you, sir. What can I get you, sir? एक हम्बा कंट्री, एक पटियाला संतरा, एक मौसम्बी, एक महुआ और साथ में कुछ चखना. What was that, sir? Ah, Alex. You see, country, santra, mosambi, or Indian wines. You know, like Indian wives, you lose control. But I like English wines. He's right. Indian women are like desi daru, always make you lose control. But Indian men are like a mouse, always looking for a... So true. So true. You disgusting man. Kya, kya, disgusting. Oh, shut up. Arey, kiska parcel hai yaar? One MC and a margarita. You know something? Do you believe in love at first sight? Aap nashe mein hain. Nasha to aapko dekhte hi ho gaya tha. आपने शायद नहीं देखा, पर मैंने देखा कि आपके देखने में एक सपना था जो अक्सर मैंने अपने सपने में देखा. और आज उस सपने को देखा तो देखता ही रह गया. You know what I'm trying to say? मुझे लगता है आपको और नहीं पीनी चाहिए. आप नहीं पिलाइए. ठीक है, अब नहीं पिलाऊंगी. आप अब भी पिला रही हैं. देखिए, देखिए तो राम. Here, your drinks. Thanks. You know something? Drinks, please. Friends, friends, आज drinks free on the house. Bill मैं दूंगा क्योंकि दिल भी मैंने दिया है. Let's party and get tight, cause it's love at first sight. अरे I'm a poet and I didn't even know it. Who's the lucky girl?
There. He's a lucky girl. आँखों के प्याले पटियाले अंबाले एक घूंट जो पी ले साला चढ़ जाए समाने उसने घूरक देखा तो भड़क भड़क कुछ फड़का है मुझको कच्चा खा गई झोंका है ना तड़का है पहली बार हुआ ऐसा धड़का नहीं दिल धकड़ा है जो दिल धकड़ा है तो कुछ लफड़ा है जो दिल धकड़ा है तो कुछ लफड़ा है जो दिल धकड़ा है तो कुछ लफड़ा है तो दिल धकड़ा है तो कुछ लफड़ा है दिल धकड़ा है तो कुछ लफड़ा है Something. It took me 24 drinks to say I love you. Sir, I told you, you're drunk. I'm drunk. But you're beautiful. And I'm going to be sober tomorrow morning. But you're still going to be beautiful. And I'm going to come tomorrow and say, I love you. I love you.
गुड मॉर्निंग. हाँ, I said good morning, sir. Good morning. वैसे इससे ज्यादा मॉर्निंग गुड और नहीं हो सकती. You know something? क्या? मैं तुम्हारा ही सपना देख रहा था. Really? हाँ. Let me guess. I was wearing the same clothes. हाँ. और मेरी फेस पे ऐसी ही मुस्कुराहट थी ना, right? Right. मैं ड्रिंक सर्व कर रही थी, वो फ्री वाली. Oh God, right. लेकिन एक चीज मैंने सपने में नहीं ली, जो मैं रियल में देना चाहती हूँ. क्या? ये बिल उन फ्री ड्रिंक्स का जो आपने सपने में पिलाई और लोगों ने रियल में पी. $6,500. ये किसका बिल है? आपकी लव एट फर्स्ट साइट का. इतना सारा? आई मीन इतना सही, बट आई एम हैप्पी. आप खुद देने आई. इवन आई एम हैप्पी, क्योंकि बिल देने के बाद आपके चेहरे का पहला रिएक्शन मैं देखना चाहती थी. गुड डे सर. पिया, पिया, यू नो समथिंग, मुझे तुमसे प्यार हो गया. अब आई एम सोबर एंड यू आर स्टिल ब्यूटीफुल एंड आई एम स्टिल सेइंग आई लव यू. यू नो समथिंग, कल रात को 4 लोगों को मुझसे प्यार हुआ. 3 लोगों को लेसी से, 2 लोगों को मारिया से, और एक आदमी को अपनी खुद की बीवी से प्यार हो गया. सर, 4 ड्रिंक्स के बाद आपको मुझसे क्या, किसी भी आदमी से प्यार हो सकता है. पिया, मुझे किसी आदमी से प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि वैसा मैं हूं नहीं ना. Have dinner with me tonight? Sorry sir, हमें गेस्ट के साथ घुलना मिलना अलाउड नहीं है, और अगर होता तो भी मैं आपके साथ नहीं आती. गुड डे सर. गुड डे. हेलो डॉक्टर मेहरा, आज किस टाइम पंप में आ रहे हो यार? क्यों? अरे भाई, नया नया प्यार है, 2-3 दिन तो फ्री में पिलाओगे ही. विकी, ये 2 हस्तक भुजंगासन. अरे नहीं 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 नताशा, ये मुर्गासन है. जोर लगा विकी, शाबाश, कम ऑन. मुबारक हो गांव वालों, विकी के खानदान में लड़का पैदा हुआ है. बस नटी बस, ये मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया है. पर तुम तो कहते थे तुम्हारे डैडी रोज योगा करते हैं. करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक आदमी रखा है जो उनके लिए हर रोज योगा करता है. He's a big man, you know. अच्छा? उन्होंने अपने हर काम के लिए एक आदमी रखा है. Really? हर काम के लिए? Of course, man. मतलब इसके लिए भी? हाँ हाँ. क्या बात कर पूरे शिप के चक्कर लगा तू नंगा. ओ हो हो, अकबर बादशाह पधार रहे. उतर गई दारू, हो गया इश्क पूरा. दिमाग की मां मत खो दे यार, पहले ही दर्द कर रहा है. लव लेटर में लिख के देगा क्या? शिट. अबे यहां मत कर, शिट करना है तो टॉयलेट में जा. मजाक लग रहा है तुझे? $6,500 का बिल है पागल. क्या? लो, मुफ्त में दारू पिलाने का होगा ये. अजय यार, तू इतना बड़ा डॉक्टर है, ये सब सूट नहीं करता मैं तुझे. क्यों, बड़े डॉक्टर्स की फीलिंग छोटी हो जाती है क्या? वो क्या कहते थे कॉलेज में, जब शहर लूटना हो तो अरे बत्तियां बुझा दो. अंकल बॉल प्लीज. Nice flowers. What's your favorite color? Hi, how are you? पहले से आराम है. See you later. शुक्रिया. हाल चाल पूछने का मूड नहीं है. I asked, what is your favorite color? My, it's white. Excuse me. Yeah? A bunch of white lilies, please. Sure. Sir, your flowers. Thank you. White for the gorgeous lady. Thank you. My favorite color is red. अभी तो white बोला. You just said white?
White is Pia's favorite color. That's what you wanted to know, actually, right? Can you do me a favor, please? No, I'm not going to give her the flowers. No, can you just get me into Pia's room when she's not around? No way. I just want to place these flowers. She'll kill me. Please. No. No, 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 no. No way. Have you ever fallen in love? You're right. I was so wrong. I should have tried harder. Do not forget to talk to Lucy about Sunday's plan. और मैं तुम्हारी तरह बिना हारे हारना नहीं चाहता, वरना सारी जिंदगी अफसोस होगा कि कोशिश करता तो पिया शायद मेरी। What? What are you saying? What नहीं, वाट लगी हो प्यार में तो वाटर बट समझ में नहीं आता, अंडरस्टूड? Anyway, hurry. कर तो रहा हूँ यार, इसको रखने की सही जगह तो मिले। My life is a book of possibilities, जिसमें हैं कुछ सपने, कुछ सच जो सपने जैसे लगते हैं, वो बचपन, एक फूलों सा घर, और मेरे प्यारे से पापा। याद है पापा, आप हमेशा मुझे टोकते थे, वो लेकर चॉकलेट्स बहुत याद आते हैं। I miss you, पापा। Happy birthday, papa. Thank you, beta. चॉकलेट? हाँ हाँ मिल रहा है चॉकलेट, आप ही के लिए तो रखा है, ये लीजिए चॉकलेट। वो नहीं वो नहीं वो नहीं, वो लिखियो चॉकलेट है, इसमें से ले लो। पिया और एक सपना जो सीने में सांसों की तरह आता जाता है, और अब दिल बन के धड़कता है कि कोई मुझे आसमां तक लेके जाए और आईफिल टावर पर मुझे बाहों में लेके कहे आई लव यू पिया। कोई तो होगा, कहीं तो होगा। आजकल एक सपना मुझे फिर से आने लगा है कि मेरे पास एक लैब्राडोर हो जैसा बचपन में था, हैंडसम एंड ब्राइट। उसका नाम रखूंगी मिस्टर व्हाइट। मैं सालसा सीखना चाहती हूँ। ये सपना मैं खुली आंखों से देखती हूँ, आंखें बंद करूंगी तो सालसा कैसे सीखूंगी? I would love to dance the dance of my dreams with the man that I love. Ladies and gentlemen, now we present to you from Standard Life, Ajay Mehra. लेके आएगा एंड आई एम गोना टेल यू नाउ स्टॉप बॉदरिंग मी। हर बात की एक लिमिट होती है, ये तो। हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू। फ्लावर्स फॉर द बर्थडे गर्ल। भगवान हर विश पूरी करे तुम्हारी। थैंक यू आंटी।
बट जस्ट वन, बाकी सब मैं खुद पूरी कर लूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें मिले। जब तक सूरज चांद रहे तेरा नाम रहे बेटा। थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी। आंटी तेरा नाम क्या है बेटा? थोड़ी ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है और गिफ्ट वाउचर्स स्कूलों में। यू टू। थैंक यू आंटी, थैंक यू। ओके बेटा। थैंक यू आंटी। अरे छोड़ो ना, चली गई यार। चली गई। हैप्पी बर्थडे आंटी। हाय। आपको कैसे पता आज उस लेडी का बर्थडे? बर्थडे किसका? अच्छा अच्छा, वो फूल, वो तो आपको इम्प्रेस करने के लिए थे। रियली? मुझे इम्प्रेस करना होता तो मुझे फूल देते। इसमें भी कोई थियरी है क्या? पहले मैंने सोचा कि आपको दूं, फिर मैंने सोचा कि आप सोचेंगे कि मेरी इस फूल देने की सोच के पीछे मेरी कोई ऐसी वैसी सोच तो नहीं, तो मैंने सोचा फिर आपको सोचने का मौका क्यों दूं। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नो। गुड, हैप्पी बर्थडे। आपको क्यों लगता है दुनिया में सब लोग एक ही दिन पैदा हुए? आज मेरा बर्थडे नहीं है। मेरा है। ओह, आपका भी है? जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चॉकलेट्स? थैंक यू। नहीं, वो पीछे वाली नहीं, उनमें लिखे और। Weird. Anyway, I love liquor chocolates. Thank you. मुझे पता है। आपको कैसे पता? आप ही ने तो बताया। कभी? अभी? अभी अभी तो बताया। सच मानो तो अच्छा लगा देखकर that you care about people. वो कल मैंने उसे फोन पे बात करते हुए सुना, अपनी बेटी से। बहुत अकेला महसूस कर रही थी तो मैंने सोचा कि यू नो समथिंग। क्या? आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं पता नहीं, बट एक्चुअली आई एम अ नाइस गाय। मुझे पता है। कैसे? आप ही ने तो बताया। कभी? अभी 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 तो बताया। ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। क्या? हंसना। सी यू सून। Bye. Not bad. Oh, this is bad. ये तो गलत है। क्या आइडिया निकाला है? एक बार में ही फंसा लिया। फंसा लिया? लड़की ऐसे नहीं फंसती। सरासर बेवकूफ बना रहा है लड़की को झूठ बोल के, और कहता है प्यार करता हूं। एक सच की उम्र 100 झूठ से बड़ी होती है, और अजय अपना सच इसी उम्र में पाना चाहता था। सच क्या था? अजय का प्यार। आई एग्री। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अभी कुछ साल पहले की बात है। मैं कॉलेज में था। कॉलेज में था तू? कुछ साल पहले है? अब बिल्डिंग गिर गई जिस कॉलेज में तू था। जब देखो लेना एक ना देना दो, हर वक्त घड़ी में पौने नौ। आगे। एक मिनट, एक मिनट। अरे एक मिनट यार। हेलो, इट्स नॉट लाइक दिस। टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड। अरे प्लीज मोर यार। बेंड अ लिटिल। तू इंडियन है? नो, पाकिस्तानी। तो नाक क्यों कटा रहा है जनरल साहब की? देख, अपने पार्टनर को ऐसे आगोश में लो, नजाकत सिखाए, उसे यकीन से वाबस्ता कराओ कि वो तुम्हारी बाहों में महफूज है। ऐसे उसे कॉन्फिडेंस दो कि तुम उसे हमेशा अर्श पे रखोगे, फर्श पर नहीं। हाँ हाँ, ऐसे करेक्ट। तुम्हें सालसा करना आता है? लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। लेकिन क्यों? एक हादसा आदमी की जिंदगी को बदल देता है। कैसा हादसा? इट हैपेंड जब हम लंदन में शो कर रहे थे। लंदन में शो? वाओ। टोरंटो फेस्टिवल में परफॉर्म करने के बाद जब हमें गोल्ड मेडल मिला तो। गोल्ड मेडल इन द टोरंटो फेस्टिवल? दैट्स अमेजिंग। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। अजय मेहरा, ग्रेट सालसा डांसर।
टोरंटो में तुमने डांस किया था। बाय गॉड क्या डांस किया था। एक फोटो। थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि इतने दिनों से मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट साल्सा डांसर को ड्रिंक सर्व कर रही थी। मैं डांसर था, अब नहीं। तो तुमने छोड़ा क्यों? बहुत लंबी कहानी है। याद है मुझे वो 31st नाइट की नाइट, हर तरफ खुशियों का माहौल था। मैं और कंचनजंगा गोडबोले, कंचनजंगा गोडबोले मेरी डांस पार्टनर थी। हम दोनों डांस कर रहे थे और क्या डांस किया था कंचनजंगा गोडबोले ने उस रात। और डांस करते करते अचानक क्या हुआ? अचानक मैंने कंचनजंगा गोडबोले को अपनी तरफ खींचा और और उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया और कंचनजंगा गोडबोले और मेरा सालसा छूट गया। उस दिन के बाद मैंने कंचनजंगा गोडबोले की कसम खाई कि आज के बाद कभी डांस नहीं करूंगा। हाउ सैड। गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसा टैलेंट वेस्ट हो जाए। नहीं अजय, तुम्हें फिर से सालसा करना चाहिए। नहीं पिया, इट्स नॉट पॉसिबल। यू मस्ट डू इट अजय, वरना एक दिन ये टैलेंट खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। मर चुका है, उसे जगाना होगा। सोने दो। नहीं अजय, सालसा जैसा प्यारा डांस, विल यू टीच मी? क्या तुम मुझे सिखाओगे? व्हाट? या मैं हमेशा से सालसा सीखना चाहती थी एंड यू नो गोल्ड मेडलिस्ट, इतना टैलेंटेड डांसर मेरे सामने बैठा हुआ है। विल यू टीच मी प्लीज? प्लीज अजय, कम ऑन। नो नो पिया, इट्स नॉट पॉसिबल। अजय प्लीज, प्लीज अजय, कम ऑन। लेकिन तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? और फिर गेस्ट लोगों के साथ घुलना मिलना अलाउड भी तो नहीं है। या आई नो, बट आई विल मैनेज, समहाउ आई विल मैनेज। सुबह 6 से 11 मेरे साथ। 7, 8, 9, 10, 11 5 घंटे तुम्हारे साथ। लेकिन तुम उठ नहीं सकते ना? नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। क्या? अब मेरा मतलब है कब शुरू करना है? कल से। कल से? नाटी, अब और रुका नहीं जाता। वेट नो विकी, You know how much I love doing this for you. आज मैं तुम्हारे लिए नाच रही हूँ। खत्म मेरे लिए करना। क्या करता है यार? कम से कम नॉक तो किया कर। नॉक की इतनी फिक्र है तो लॉक किया कर, हाँ? What? चलो नताशा। कहाँ? अरे काम है यार। अरे मैं भी तो काम कर रहा हूँ। अरे मुझे सालसा सीखना है अभी। हाँ। और मैं जो भांगड़ा कर रहा हूँ उसका क्या? उसके लिए सारी जिंदगी पड़ी है। चलो ना। अच्छा 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 सुन 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 दो मिनट दे प्लीज प्लीज। नताशा, इसे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं? जी। अच्छा लेकिन कपड़े तो पहन। साले बहन, मॉर्निंग अच्छे तेरी मां यार। उधर क्रूज का चक्कर लगाने के लिए देखे साले हराम। अबे चल। oh,
लग रही है यार। क्या है बे? प्रॉब्लम क्या है तेरी? कितने की बॉल थी तेरी? तुझे क्या लगता है मैं तेरे पीछे वो बॉल लेने के लिए घूमता हूँ? तो क्या लेने के लिए घूमता है बे? प्यार करता है बिया से? तेरे से मतलब? मैं भी करता हूँ बिया से। नहीं, मैं दूसरे के माल और दूसरे के बॉल पे नजर नहीं रखता। मेरे स्कूल में एक लड़की है, बाय गॉड क्या लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूँ। तेरे से उसे पटाने का तरीका सीख रहा हूँ। तू आदमी खड़ूस है बट पटाने का स्टाइल अच्छा है। ए, चल चल आ गई। हाय। हाय। मुझे लगा तुम भूल गई कि मैं यहाँ इंतजार कर रहा था। नहीं, मुझे याद था, मैंने 7 बजे कहा था ना। 6 बजे कहा था ना? 7। अरे 6। 7 बजे कहा था। अच्छा ठीक है, बहस नहीं करते, चलो डांस करते। कल से टाइम पर आना। तुम वक्त से पहले मत आना। हम दोनों में कुछ तो है जो एक सा है। या क्रूज पर आना वाज माय ड्रीम। और तुम्हें भी क्रूज पसंद है ना? तुम्हें आईफिल टावर देखना है और मुझे भी आईफिल टावर देखना है। तुम्हें सालसा अच्छा लगता है और मुझे भी सालसा अच्छा लगता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कोइंसिडेंस देखो, तुम भी तुम्ही से प्यार करती हो। आई लव डॉग्स, आई एम श्योर तुम्हें भी पसंद होंगे। कुत्तों से तो मेरा पुराना रिश्ता है। Weird. We have so much in common, ना? हमारी पसंद कितनी मिलती है? मेरे पापा भी ऐसे ही चॉकलेट्स लेके आते थे अपने बर्थडे पर, जैसे तुम लेके आए थे, और हमेशा कहते थे ये मत लेना, इनमें लिकर है। And you know, मैं वही चॉकलेट्स लेती थी। I miss him. He's no more. And your mom? I think she's in Kenya. I stay in New Jersey. वो तुम्हारे साथ नहीं रहती? वो किसी और के साथ रहती है। माँ किसी और से प्यार करती थी और पापा खुद से। जब हम कैलकटा से न्यू जर्सी शिफ्ट हुए, तभी से अनफॉर्चुनेटली मैंने हमेशा प्यार का वही साइड देखा है जहाँ सब कुछ फेक था, झूठ था। पहली नजर में प्यार होता भी है, मुझे नहीं पता था सच। You know something? जब मैं कॉलेज में था तो अक्सर एक घड़ी की दुकान के सामने से गुजरता था। एक दिन मैंने उस घड़ी की दुकान पर एक खूबसूरत पर महंगी घड़ी देखी। उस घड़ी से वो घड़ी हर घड़ी मेरे दिमाग में घूमने लगी। शायद उसी घड़ी मुझे उस घड़ी से प्यार हो गया था। डैड बचपन में छोड़ के चले गए थे, अपने बचपन में नहीं, मेरे बचपन में। माँ मेहनत करके मुश्किल से गुजारा करती तो वो घड़ी कहाँ से लेती? पर मैंने मेहनत की, पढ़ा, डॉक्टर बना, एक जुनून था। एंड यू नो समथिंग, आज वो घड़ी मेरे पास है। जैसे प्यार को पाने के लिए जुनून जरूरी होता है, प्यार को निभाने के लिए भी एक जुनून जरूरी होता है। कहीं पढ़ा था। पर किसी ने तो लिखा होगा। Venga y hágate en este amor, mora si quieres, pero en este amor. Venga y hágate en este amor, mora si quieres, pero en este amor. Jinko bhi milna hai likha. इश्क मिलवाएगा जिनको जिनको भी मिलना है लिखा इश्क मिलवाएगा दूर दूर से ढूंढ ढूंढ के पास ले आएगा कहीं भी जाके छुपो इश्क वही आएगा कितना भी ना ना करो उठा के ले जाएगा मानो या ना मानो
सारी ही दुनिया इसी के दम पे चला। सालसा टीचर मिल गई फाइनली। अजय मान गया तुझे भड़ो। बहुत हरामी है तू। क्या बोला क्या उसे? कुछ नहीं यार, हमने तो बस विकी सोल्स आपस में बात नहीं करते। दोनों तो सोलमेट्स है ना। हो भी सकता है। और जब उसे असलियत का पता चलेगा तो? Reena is right. Ajay, this is cheating. एक मिनट, इस पे चीटिंग क्या है? तुम्हें नहीं लगेगा। Everything fair in love के नाम पर तुम लोग लड़की के इमोशंस के साथ खेलते हो। कभी ये सोचा? जब उसे पता चलेगा, how will she feel? I'm sure तभी अजय के पास कोई गेम प्लान होगा to mislead her. Come on, Natasha, what's wrong with you? You shut up. Ajay, after hearing all this, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी मदद करके गलती की। Natasha. But I love her. Then tell her, सच क्या है? Tell her कि तुमने क्या क्या झूठ बोले हैं। I will. वक्त आने पर मैं उसे बता दूंगा। अभी क्यों नहीं? अरे इसमें गलत क्या है? बंदा प्यार करता है। प्यार? तुम्हें प्यार का मतलब ही पता है? You're such a selfish person. Enough is enough, Reena. Don't get personal. जाने दे यार। क्या जाने दूँ? देख रहा है ना तू? इसका हर वक्त चालू रहता है, हर वक्त। रीना की पाठशाला। जब इसने बोल दिया कि बता देगा, तो we should believe him. इसमें इसका क्या प्रॉब्लम है? You know what your problem is?
तुम लोगों की मेंटालिटी ऐसी। यू गाइस थिंक यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग राइट? लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। मैं जाकर अभी इस लड़की को बता दूं कि असलियत क्या है। रीना, रीना, क्या यार तुम लोग के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा। यू ग्लोइंग पिया, यू लुकिंग गुड, यू स्मेलिंग गुड टू। अच्छा बताओ दोनों में से अच्छा कौन है, पिया या लिलीफ? पिया। हाय। हाय। तुम इन फूलों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो पिया। इनकी खुशबू तो शायद कल ना रहे, तुम्हारी हमेशा रहेगी। अजय बहुत अच्छा है। He's a very nice guy. And he's very lucky to have you. Thanks. All the best. Keep smiling. तुमने सुना? उसने कहा तुम बहुत लकी हो। तुम्हें क्या लगता है, मैं भी बहुत लकी हूं ना? उसने झूठ कहा है तुमसे। मैंने झूठ कहा था तुमसे। व्हाट इफ आई से कि मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी थी, बुक ऑफ पॉसिबिलिटीज। व्हाट इफ आई से कि उस दिन मेरा जन्मदिन नहीं था और ना ही उस आंटी का। तुम्हें लिखे और चॉकलेट्स पसंद है, ये मैंने तुम्हारी किताब में पढ़ा था। मुझे सालसा भी नहीं आता। Excuse me. पर मैंने सीखा तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी हर लाइकिंग को अपनी लाइकिंग बनाने की कोशिश की। नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू चीट। कैन वी हैव फाइव कॉकटेल्स प्लीज? मेरा तरीका गलत हो सकता है पर मेरा प्यार नहीं। वी आर Take your order, sir. Pia, but can I take your order, sir? शायद वो सब मैंने इसलिए किया क्योंकि क्रूज खत्म होने से पहले मैं तुम्हें पाना चाहता था। नहीं, मैं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं लेकिन तुम्हारे पास बहुत वक्त है। मैं सारी लाइफ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर लाइफ में कभी ऐसा लगे कि मेरे साथ बिताया हुआ एक भी मोमेंट सच्चा था तो मुझे कॉल करना। घड़ी साथ इसलिए छोड़े जा रहा हूं क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। मेरा अच्छा वक्त तुम्हारे साथ जा रहा है। लाइफ में कभी लौटू तो इसे साथ लेते आना। पिया चली गई। करेक्ट है, ऐसे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा हुआ मारा नहीं उसे। चुप कर तू, तू नहीं समझेगा।
अरे प्यार में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तुझे, लेकिन ऐसे कैसे? अजय ने उसे जाने क्यों दिया? उसे रोका क्यों नहीं? नहीं जाती तो वापस कैसे आती? तो क्या वो वापस आई? Was she called? हेलो अजय, अबे है कहाँ तू यार? पिछले दो महीने से तो फोन तो किया, हाँ अभी इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। मेरे साथ है, I'll bring up you. Told you not to enter the room without knocking. मुझे भी अंदर आने का कोई शौक नहीं Get है। अजय का फोन आया था, उसने हमें अभी घर बुलाया है। अरे अरे क्या कर रहा है? बैठने तो दे यार। बैठने का टाइम नहीं है यार, कितनी बार अजय का फोन आ चुका है, किधर है, कहाँ पहुँचा, निकला क्या? Of late he's behaving very strangely. जब से क्रूज से लौटा ना पागलपन कर रहा है। नहीं, जब से कुत्ता लाया। हाँ तब से पागल हो गया। अजय मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ने कुत्ते को पाला है या कुत्ते ने तुझे पाला है? अरे तू नहीं समझेगा यार, पिया को यही ब्रीड पसंद है। But tell me, तू श्योर है पिया आएगी क्या? अजय को लेकर भाग गया। अरे ये तो कुछ नहीं, लास्ट टाइम मैं और नताशा उसके घर गए थे ना, we were shocked. Yeah, it was white everywhere. कैसा लग रहा है? Nice. जोर से लग रहा है। अरे you guys know, बिया का फेवरेट कलर कौन सा है? What? क्या है? It's white. Oh, how romantic. Tell me something. ये white walls, white furniture, सब white white करने से पिया वापस आ जाएगी? ये कैसा है? Oh. इसे भी white frame कराऊंगा। Oh, brilliant idea. है ना? ये देख, ये तो बाहर बैठा है। प्रॉब्लम क्या है तेरी? इतनी रात को क्यों बुलाया तूने? और तू है कहाँ यार 2 महीने से? अबे बताने का टाइम नहीं है, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। शादी, चलो, शादी? चलो। किसकी शादी? मेरे बाप की। Really? किसके साथ? But you said कि वो तो चले गए हैं? कल ही लौटे हैं शादी करने। तू भी यार। Hi guys. Remember पिया? ये कब आई? हाँ देख क्या रहे हो, प्यास है पिछले 2 महीने से। बट आई कैसे? हाँ दरवाजे से। हाय सरप्राइज। ओह माय गॉड हाउ क्यूट। हाय बेबी। हाय स्वीटी। फिर क्या हुआ? Imagine, क्या हो सकता है? ये सब? Actually, ये White Walls Mr. White को बहुत पसंद है। और Mr. White? इन White Walls को? और दोनों? एक दूसरे को। और ये? छह महीने लगा दिया आने में, पूछा नहीं इतना वक्त क्यों लगाए? ये मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्रूज से आने के बाद मैंने जब भी क्रूज के बारे में सोचा तो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा, और तुम्हारे बारे में सोचते सोचते मैंने ये सोचा कि तुम्हारे सोचने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन तुम्हारी सोच गलत नहीं थी। यू नो व्हाट आई मीन? वरना सोचो, कोई किसी को सालसा सिखाने के लिए रात रात जाग के सालसा सीखने की भला सोच सकता है? और सीख भी ले तो मैं नहीं सोचती कि कोई सच बोलने की सोचेगा। तो मैंने सोचा कि इतना सोचूंगी तो सोचती ही रह जाऊंगी, और बाद में सोचूंगी कि इतना सोचा क्यों। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नो। गुड। अब सोच क्या रहे हो? सोच रहा हूँ इतना सोचने में 6 महीने लगा दिए, 3 महीने और लगाती तो एक नई जिंदगी पैदा हो जाती, और उसका नाम पता है क्या होता? सोच। ओह शट अप। सोच तो मैंने 3 महीने पहले ही लिया था, लेकिन फिर सोचा तुम्हें कहाँ ढूंढूं, कहाँ कांटेक्ट करूं? पर एड्रेस तो छोड़ा था मैंने। वही तो भूल गई थी ना। फिर अचानक एक दिन मैंने तुम्हें सपने में देखा, वही चेहरा जब आखिरी बार तुम मेरे कैबिन में नोट छोड़ के गए थे, तब याद आया। नोट ढूंढा और यहाँ चली आई। थैंक गॉड तुम सपना देखना नहीं भूली। यू नो समथिंग? व्हाट? तुमसे मिलने के बाद मैंने भी एक सपना देखा था, तुम्हारे हर सपने को सच करने का सपना। I missed you, babe. I missed you too. I'm sorry. आज से तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होता है।
हमारा अच्छा वक्त। अजय अपनी किस्मत कौन सी कलम से लिखवा के आया था? काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। आपको क्या लगता है, अजय की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। निखिल और रीना को पहले डिवोर्स फाइल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब एक साल बीत गया है तो डिवोर्स मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। हवा की तरह होती है ये प्रॉब्लम्स, कितनी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। और खिड़कियां अजय के घर में भी थी। मैं अपने पति को डिवोर्स देना चाहती हूँ। मुझे आपसे सर्टिफिकेट चाहिए कि उन्हें दिमाग की बीमारी है। अगर आपके पति को दिल की बीमारी होती तो भी आप उन्हें छोड़ देती? मिसेस जोशी, मैं जानता हूं आपके पति को स्किज़ोफ्रेनिया है एंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, पर आपको भी समझना है कि व्हाट योर हस्बैंड इज गोइंग थ्रू। मैंने शादी के 20 सालों में हर दिन कोशिश की है एक अच्छी पत्नी बनने की, लेकिन अब पिछले 2 सालों में उनके साथ रहना, उन्हें केयर फैसिलिटी तो भेज ही सकते हैं ना, वहां पर उनकी देखभाल भी अच्छे से हो सकेगी। मिसेस जोशी, मेरी तरफ देखिए, आप अपने पति को असाइलम भेजकर किसकी जिंदगी बेटर करना चाहती हैं, उनकी या अपनी? घर जाइए और एक बार अपने पति को गौर से देखिए, फिर भी अगर आपको लगे कि आपके पति को आपसे ज्यादा असाइलम की जरूरत है तो आई विल राइट अ लेटर टू द हॉस्पिटल। घर जाइए। थैंक यू। ठीक है। एक मिनट सर, एक पेशेंट अर्जेंट बात करना चाहती है, सीरियस मेंटल केस है। जी सर। हेलो। हेलो, मैं डॉक्टर अजय मेहरा बोल रहा हूँ। डॉक्टर, मैं आपके साथ डॉक्टर खेलना चाहती हूँ, आप खेलोगे? कौन बोल रहा है? मैं आपकी पेशेंट बोल रही हूँ डॉक्टर, आप मेरे साथ कॉफी पियोगे? आई लव यू। अबे साले, इतने बुरे दिन आ गए हैं तेरे। नताशा ने छोड़ दिया जो मर्दों का आई लव यू बोलता फिर रहा है। अरे जब दोस्तों से ऐसे नहीं मिलेगा तो पेशेंट बन के ही मिलना पड़ेगा तुझसे। है किधर तू यार? अरे यही हूँ यार। निखिल कहाँ है? निखिल इधर ही बैठा है, बीवी छोड़ गई तो आइटम देख रहा है। लंबे पहुंच रहे हम लोग, जल्दी आ जा नीचे। लंबे वाल वाली आइटम के साथ बैठा। अरे यार पूजा सिंह, पूजा प्रसाद जो कॉलेज में सबको प्रसाद बांटती थी, पिछले हफ्ते शिफ्ट हुई है, हस्बैंड आउट है तो हमें इन होना चाहिए यार। नंबर है उसका? लैंडलाइन है। तुम मिला उसे? अरे नहीं यार, जब भी फोन करो उसकी खड़ूस माँ फोन उठी। अरे मुझे दे, मैं बात करता हूँ यार। सलमे, अगर उसकी खड़ूस माँ फोन उठाए ना तो तू बोलना कि टेंशन मत ले यार, घंटी बज रही है। पायल बगू मम्मी जी, पूजा है मम्मी जी, पूजा प्रसाद मम्मी जी, पूजा को फोन दो ना। मैं विकी मम्मी जी, पूजा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। ये तो मिट्टी की आवाज लगती है। नताशा, नताशा, घंटी बज रही है। लिसन बेबी, दीस गाइस आर जस्ट प्लेइंग अ प्रैंक ऑन मी। नहीं, मैं सब कुछ क्या? तो मुझे लग गया क्या? तो मुझे लग गया।
किया? मैं गुम हो गई थी अजय, मैं गुम हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें फोन लगाने की कोशिश करी, मैं तुम्हारा नंबर भूल गई अजय, मैं तुम्हारा नंबर भूल गई। क्या लोग नंबर भूल जाते हैं? नहीं, मैं तुम्हारा नाम भी भूल गई अजय, मैं तुम्हारा नाम भी भूल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं सुबह आगे जा रही थी, मैं देख रही थी और मैं जस्ट हो गई थी। मैं अपने घर ढूंढ रही थी अजय, मैं अपने घर भूल गई अजय, मैं अपना घर भूल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तुम अपने घर के सामने खड़ी हो। ऐसे कैसे भूल गई वो? कोई अपना घर कैसे भूल सकता है? उसकी तबीयत तो ठीक थी ना, बताते क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है? इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। एक्चुअली प्रॉब्लम कभी इंसान से बड़ा नहीं होता, इंसान ही उसे बड़ा बनाता है। यू नो समथिंग, दिल को धड़कना धड़कने खुद ही सिखा देती है, पर उन धड़कनों को जिंदा रखना पड़ता है। यही सीखना था अजय और प्रिया को, यही तो सीखना है हम सबको। हम प्यार करते हैं अपने लिए क्योंकि हमें कोई अच्छा लगता है, लेकिन निपटा तब है जब ये जान ले कि हमें जो अच्छा लगता है उसे क्या अच्छा लगता है। दोनों गम से गुजरे या गुजरे खुशी से, जहां से भी गुजरे, गुजरे अपनी खुशी से, कहीं पड़ा था पर किसी ने तो लिखा होगा। बेटा ऐसा पहले भी कभी हुआ है तुम्हारे साथ? कभी इस तरह से कुछ भूल गई हो? अक्सर मैं दूध गैस पे रखकर भूल जाती हूँ, और कई बार मैंने प्लेट पे खाना लगाया खाने के लिए, और शाम को आई रियलाइज की खाना वैसे का वैसा ही है। ये तो मामूली बात है, मेरी बीवी अक्सर दाल में नमक डालना भूल जाती है। कुछ ऐसा भूली हो तुम जो तुम्हें अभी तक याद है? एक्चुअली हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, और एक दिन पहले मैंने अजय को याद दिलाया था। कल वील को आउटफिट में कहाँ? अरे यार कुछ तो सरप्राइज रहने दो, एल्बो के टेबल इनको। ओके। अगले दिन जब मैं घर पहुंची अपने वॉक से, तो दीदी भैया का फोन था। हाँ। आते आते लेट होएगा। ओके। आपको 8 बजे चाइना चाइना हट। हाँ जी। मैं ठीक 8 बजे वहां पहुंच गई थी। लाइफ इज ब्यूटीफुल विद यू। थैंक यू। लेकिन ये केक क्यों? आज कुछ खास बात है क्या? कुछ नहीं, तुम केक काटो। नहीं बताओ ना। What? तुम बकरा बना रही हो मेरा? No seriously, tell me. I don't know. हमारी कल बात हुई थी। किस बारे में? आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, कल हमारी बात हुई थी, तुम भूल कैसे सकती हो? मैंने तुम्हें फोन Your face. परफेक्ट बकरा। इसका मतलब तुम उस दिन मजाक नहीं कर रही थी? व्हाई डिडंट यू टेल मी वी कुड हैव आई वाज स्केयर्ड। पिया तुम जानती हो हिंदुस्तान में 90% लोग अपनी एनिवर्सरी भूल जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो याद रखने की कोशिश करते हैं।
अच्छा ये बताओ आज क्या हुआ था? आज मैं मुझे घर का कुछ जरूरी सामान खरीदना था, मॉल पास में था, मैं वहां गई, सामान लिया, बाहर निकली तो बारिश हो रही थी। I wanted to rush home क्योंकि अजय के घर आने का टाइम हो गया था। मुझे अच्छा लगता है दरवाजा खोलना, जब अजय घर आता है तो I was crossing the road था। Sister, please come in. Relax. Pia, calm down, Pia. होता है, देखो कभी स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, कभी नींद पूरी ना होने की वजह से हो जाता है। अरे मेरे साथ होता है। अरे आजकल तो डॉक्टर ऑपरेशन के बाद पेट में घड़ी, नैपकिन, यहां तक कि मोबाइल भी भूल जाते हैं। पेशेंट को तो तब पता चलता है जब कोई कॉल करता है। लेकिन पेट में नेटवर्क कैसे मिलता है जब बाहर इतना खराब है तो? अरे मोबाइल के साथ उसके पीछे भागने वाला कुत्ता भी तो रह जाता है पेट में, याद है ना वो एड? सिस्टर पिया को एग्जामिनेशन रूम में ले जाओ। तुम चलो, मैं आता हूं। कम पिया। कॉफी? नो सर।
अजय, तुम सच में नहीं जानते या जान के मानना नहीं चाहते कि पिया की ये सारे सिम्टम्स किस तरफ इशारा करते हैं? बिकॉज शी इज योर वाइफ, शायद इसलिए तुम, हो सकता है जो हम सोच रहे हैं गलत हो, बिना टेस्ट किए किसी कंक्लूजन पर आना भी गलत होगा। Definite cerebral atrophy and ventricular dilatation is prominent. Cortex और nerve cells भी damage हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात है shrinkage of the hippocampus, दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी अच्छी बुरी याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। पिया के टेस्ट से उसकी बीमारी का अंदाजा तो हो गया होगा तुम्हें? हाँ, पिया को अल्जाइमर से अजय, वो बीमारी जो आदमी की याद करने की ताकत खत्म कर देती है और धीरे धीरे वो सब भूलने लगता है। छोटी मोटी चीजों से शुरू होती है ये, फिर पेशेंट कभी अपना नाम, अपना घर, अपना सब कुछ भूल जाता है। हो सकता है पिया कभी तुम्हें भी ना पहचाने और कभी ऐसा लगेगा जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। कई दिन आएंगे कि उसे कुछ याद नहीं होगा और एक दिन उसे सब याद होगा सिवाय इसके कि उसे अल्जाइमर्स है। लेकिन सर, she looks fine. She's just 28. इस उम्र में अल्जाइमर्स, हम दोबारा से टेस्ट करा सकते हैं। अजय, ये ना सर, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसके मैं खुद एक डॉक्टर हूं और जानता है इस बीमारी के बारे में। बताओ कैसे हो गया ये सब? कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो क्यों होती हैं इसका जवाब मेडिकल साइंस में भी नहीं है। अल्जाइमर्स इज वन ऑफ दोज। शायद कोई फैमिली हिस्ट्री, शायद एक्सीडेंट या किस्मत। किस्मत ही होगी क्योंकि नॉर्मली ये बीमारी एक उम्र के बाद होती है। हजारों में दो केसेस होते हैं जब इस उम्र में, और वो दो में से एक पिया को ही होना था। अजय, तुम जानते हो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब तुम्हें ही पिया का ध्यान रखना है, बिकॉज आई एम वरिड कि प्रेगनेंसी में यह बीमारी। शी इज प्रेग्नेंट? यस, लेकिन दुख इस बात का है कि यह खुशी की बात नहीं है। इस बीमारी में प्रेगनेंसी का मतलब पिया की हालत और खराब हो जाएगी। इट माइट वर्सन हर कंडीशन फास्टर, प्लस ऑल द मेडिकेशन शी हैज टू गो थ्रू नाउ। वो दवाइयां, उनके साइड इफेक्ट्स बच्चे पर भी हो सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होगी, पिया की हालत और खराब होती जाएगी। एंड टू सेव पिया फ्रॉम डिटेरियोरेटिंग फर्दर, आई हैव टू अबॉर्ट द चाइल्ड। द प्रॉब्लम इज दैट आई नो सर, फेस हमेशा मेरी फेस टू फेस रहेगा और तुम्हारा फेस तो हमेशा मेरे फेस टू फेस रह नहीं सकता। सो फेसिंग द फैक्ट, मैंने तुम्हारा फेस वहां लगा दिया
You know what I'm trying to say? तुम्हें कैसे पता? रीना ने बताया. God, Ajay, I'm so happy. I can't believe I'm pregnant. I can't believe it. और मुझे पता है तुम्हें लड़का चाहिए ना. But as long as we have a healthy baby, what does it matter? और देखो, हमारी दूसरी विश भी पूरी हो रही है. A baby worth living for. A baby just like you. Under a silver moon on a cruise deck, celebrating 25 years of togetherness. हम अपनी 25वीं सालगिरह मनाएंगे ना क्रूज पे. हम अपनी सारी विशेस पूरी करेंगे ना. God, Ajay, I'm so happy. I can't believe it. It's a miracle. It's a miracle. और कहाँ जा रहा हनीमून को? अब्रॉड. कांग्रेचुलेशंस. नेपाल. थैंक यू. आइए, नमस्ते. प्लीज. पता है आजकल डिवोर्स का भी सीजन चल रहा है. नहीं, सच कह रहा हूँ, एक साल हुआ है डिवोर्स फाइल किए हुए, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है. मतलब और एक साल झेलना पड़ेगा बीवी को. वैसे रीना काफी अच्छी लड़की है. क्यों? अब हाँ, बहुत अच्छी है तेरी बीवी, बहुत अच्छी है. अच्छा. तो तू रख ले. सच कह रहा हूँ, आज का दिन भी बड़ा अच्छा है. ये कपड़े मैं पहन लेता हूँ, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, तू रीना के साथ जा, मैं इसके साथ नेपाल जाता हूँ. अरे सुन, हाउ आर यू? हमेशा दूसरे की बीवी अच्छी लगती. देखिए, अरे ये कहाँ से आ गई? अजय, यू नो समथिंग, आई लव यू. मी टू. यू नो समथिंग, यू आर ब्यूटीफुल. You're gorgeous. You're hot. You're heavy. अब एक नहीं दो हैं तो फिर हैवी तो होगा ही ना. You know something? I'll die without you. With me. Not without me. लो, पूरा प्लेटफॉर्म छान मारा. तूने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर रखी है. हाय पीएस. हाय. पता विकी, वैसे तो ये मिलता नहीं, और जब मिलता है तो ठीक से मिलता नहीं. एग्जैक्टली. चीयर्स गाइस. तुम इनसे ठीक से मिलो, मैं अभी आती हूँ. पिया को देख के ऐसे लगता है कि उसे कुछ हुआ है. सब ठीक हो जाएगा यार. इट्स जस्ट अ बैड ड्रीम. काश ये बुरा सपना होता तो इस स्वर में कभी नहीं सोता. पर सच तो ये है कि ये सच है. अब तो घर लौटता हूं तो डर लगता है कहीं मुझे भी पहचानेंगे कि नहीं. The other day, I was sleeping और केयर गिव अभी रखी है जो 24 घंटे उसके साथ रहती है. तेरे जैसे आदमी ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो बिगाड़ा ना. अक्सर तेरी मारता हूं, आज कोई मेरी मार रहा है. दिखा के रख दे.
दे मैनू घुमा के रख दे चितारे दिखा के रख दे सारी चिड़िया सारे तोते उड़ा के रख देंदी है चक दे चक देंदी है पंडे चक देंदी है पंडे चक देंदी है He's a good doctor. नहीं सर मैं ये केस हैंडल नहीं कर पाऊंगा मिस्टर दत्ता यू नीड टू अंडरस्टैंड मेरा एक अपना पर्सनल प्रॉब्लम है कमिंग मैम क्या हुआ भैया पता नहीं मंगलसूत्र नहीं मिल रहा मेरा वो तो तुमने मुझे दिया था वो रिपेयर कराने के लिए मैंने तुम्हें कब दिया भैया शायद तुम भूल गए नो गो अहेड से इट तुम यही कहना चाहते हो ना मेरा वो कि मैं भूल गई मैं फिर से भूल गई मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ ना सब कुछ भूल जाती हूँ इसलिए तुमने ये स्टूपिड पोस्ट लगा के रखी है सब जगह थी स्टूपिड पोस्ट लगा के रखी है स्टूपिड आई हैव टू बिकम एंड दैट I'm sorry, Pia. You think I'm mad? तुम्हे लगता है कि मैं पागल हूँ ना? भूलती मैं नहीं हूँ, भूलती तुम हो. और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने वो मंगलसूत्र वहाँ मेरे कदर तुम्हें ही उठाया होगा. Pia. Pia, doctor को phone करो. Pia को phone करो.
आज यू विल हैव टू साइन द पेपर्स. व्हाई? हमें ऑपरेट करना पड़ेगा. शी इज जस्ट नॉट पुशिंग द बेबी डाउन. उसे अटैक है. शी इज जस्ट नॉट रिएक्टिंग. किसी को नहीं पहचान रही. सब भूल गई. शी इज जस्ट नॉट कोऑपरेटिंग. शी इज स्क्रीमिंग. अजय प्लीज डोंट थिंक. जस्ट साइन द पेपर्स. Congratulations, guys. Look who's here. Oh, so cute. My God, it's a boy. Congratulations. Ladka hua hai. Vicky, ye meri ungli hai jaise tumne pakad rakha. Tujhe ungli aur usme fark pata nahi chala? Yaar, mujhe laga ki... Lekin mujhe pata hai ki ladka hai. Itna confidence khud par? Khud par nahi. पिया पर. पिया का दिमाग भले ही भूल जाए लेकिन उसका दिल जानता है कि मुझे लड़का चाहिए. हाय बेबी. हाउ शी? कुछ ही देर में होश आ जाएगा. इसे पहचाने की या नहीं? हाय बेबी. पिया कैसी है अब? एंड हाउ इज शी रिएक्टिंग टू द न्यू न्यूरोडायलेटर्स? अभी ठीक है सर. अभी ठीक नहीं है. अजय यार, क्या फालतू पंडित है यार. एफ से नाम निकाला है लड्डू का. आई मीन ये नामों का लिस्ट है. एफ से बड़े कम चॉइसेस है यार. फकीर चंद, फागुनलाल, फुर्सत चंद, फुद्दू, सब फनी से नाम है यार. आउटडेटेड. मेरे दिमाग में एक 38th सेंचुरी का नाम आया है. FU-ER. अरे नहीं, सुनने में ऑकवर्ड लगता है पर 20 साल बाद बड़ा पॉपुलर सा नाम होगा और उसे अपने बाप पर फकर होगा. अरे हमें बच्चे का भविष्य देखना चाहिए कि नहीं अंकल? जी मुझे लगता है अंकल आपको भी अपने बच्चों का नाम एफ से ही रखना चाहिए. अरे क्या कर रहा है यार, मेरी सीनियर है. अरे तो क्या हुआ यार. निखिल तू ही बता यार, ये नाम FU-ER कैसा है? रख दे. कुछ भी रख यार, लेकिन निखिल मत रख. क्यों साला, तीन अल्फाबेट गायब हो जाते हैं ना तो निखिल नील हो जाता है. तूने ज्यादा पी ली. पी ली नहीं, नीली है वो. मेरी एक सुसाइड वाइफ. लाइफ भी क्या अजीब है यार. आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, है ना? उनमें से कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं. मुझे भी मिल गया था कोई. यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था. सर राह चलते चलते यूं ही कोई. परछाइयों ने तेरी कभी हमको राह दिखाई. परछाइयों ने तेरी कभी हमको राह दिखाई. परछाइयां खो गई क्यों, यूं शाम ढलते ढलते
यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते राहों के रास्ते में कोई ऐसा मुकाम आए खुशियों की मार्केट में अगर गम की दुकान आए मेरा साथ ना छोड़ देना मेरा साथ ना छोड़ देना यूं ही साथ चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते यूं ही कोई जिंदगी में हमारी अगर तूफान आए या रिश्तों को हमारे कभी जुकाम आए रास्ते ढूंढ लेंगे यूं ही साथ चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते दिल अब में लुच्चा बना गलियों की खाक छानता है जवेरी बाजार का हर ज्वेलर अब मुझे पहचानता है वही दुकान खोल लूंगा ये जवानी ढलते ढलते Shut up, Vicky. Where do you get these ideas? भलते भलते ओहो, क्या बात है अरे यार ये तो गजल बन गई चलते चलते Everybody! यूं ही कोई मिल गया था यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था क्या हुआ पिया I'm not well, अजय. मुझे नहीं लगता मैं इस बच्चे को संभाल सकूंगी Let's support this child. पिया कैसी है? She's sleeping. Drinks? अजय, I think पिया को कुछ दिनों के लिए मेरे हॉस्पिटल में भेज दो यहाँ ऐसे आपका हॉस्पिटल मतलब मेंटल हॉस्पिटल साइकेट्रिक फैसिलिटी वार्ड वहां उसकी तबीयत में सुधार होगा आपकी तबीयत में तो सुधार दिखता नहीं विक्की सॉरी सर पिया को लेके सब लोग इमोशनल हैं मैं भी हूं अजय इसीलिए मैं चाहता हूं वो हॉस्पिटल में रहे नहीं सर कुछ भी हो जाए मैं पिया को अपने से अलग नहीं करूंगा
कॉल मी इफ यू नीड माई हेल्प. सी यू डॉक्टर अजय. ओके थैंक यू. ओके थैंक्स. सी यू लेटर. बाय बाय. रंजना. यस सर. कल 12 बजे से पहले कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं रखना. श्योर सर. बाय. बाय सर. तू यहाँ बैठा है? हाँ, मुझे लगा तू बिजी होगा इसलिए. तेरे लिए क्या बिजी, बस आई वाज लीविंग अ व्हाट्सएप. नथिंग स्पेशल, बस मन किया इसलिए चला तुझसे मिलने. मूड ठीक नहीं है? मन ठीक नहीं है. चल एक दो ड्रिंक लगाते हैं. मूड तो मेरा भी बहुत है पर आई हैव टू गो होम. तुझे तो पता है भैया की हालत. तो तेरे घर चलते हैं ना, उसमें क्या है. इट्स बीन 3 मंथ्स यार अमन से मिले हुए. दूसरी बार पिया से मिल लूंगा. एंड सेकेंडली, ड्रिंक पीने के बाद एक दूसरे की माँ बहन एक करनी है तो तेरे घर करते हैं. आई थिंक रीना आने वाली थी. आई मीन तुझे ऑकवर्ड लगेगा. आई डोंट नो तू मिलना चाहेगा कि नहीं. आई मीन आई ऑल्सो डोंट नो. शायद हाँ. चल. हेलो मिसेस जोशी. हाय. रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए आई थी. कल उन्हें केयर फैसिलिटी में शिफ्ट कर रहे हैं. ओके. थैंक यू. थैंक्स. अरे बड़े जल्दी आ जाते हो आजकल क्लिनिक से. कोई पेशेंट पेशेंट नहीं है क्या? अरे तुम्हारे लिए थोड़ी आता हूँ. इस गधे के लिए आता हूँ. हाय बेबी. हाय बेबी. यू बट निकल. नहीं, तुमने मिलवाया नहीं. ऑफ कोर्स आई नो हिम. अभी मैं रीना से तुम्हारी बात कर रही थी. कम कम कम. हे रीना, लुक हुज़ हियर. से हाय. हाय रीना, यू लुकिंग गुड. थैंक यू. हाय निखिल. हाय रीना. कैसे? ओके. तुम? कॉफी कौन कौन पिएगा? कोई नहीं पिएगा. हाय गाइस. कॉफी पिएंगे तो ये बॉटल कौन खत्म करेगा? ये ले. थैंक यू. और सुना कैसा है? फिट एंड फैट यार. तू बता, बीवी के बिना कैसे मैनेज करता है तू? भाई रखिए यार, उसी से सब काम करवाता हूँ. भाई से सब काम करवाता है तू? इतने बुरे दिन आ गए तेरे. कभी नहीं सुधरेगा साला. अजय तू बता, ऐसी लड़की का नाम क्या हो सकता है जो अपने बाप को धक्का देती है? पुष्पा. पुष्पा. लड्डू. लड्डू. स्नैक्स फॉर यू. थैंक्स. माई हुई है. पूछ रही थी तुम्हारे बारे में. वेलकम. एक तो तुम मैं क्या कर रही है? क्या है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? बस विक्की, तुम और नहीं पियोगे. व्हाट हैपेंड नताशा? ये विकी उनो कुछ ज्यादा ही पीने लगा है. कितनी बार मुझे प्रॉमिस किया है, कितनी बार मेरी कसम खाई है. सॉरी बेबी, भूल जाता हूँ. कहीं तुम्हें अल्जाइमर्स तो नहीं है? नो सीरियसली, यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड. यू नो इट्स अ वेरी सीरियस डिजीज. इसमें इंसान सब कुछ भूलने लगता है. एंड जोक्स अपार्ट, इट्स वेरी पेनफुल. मैंने अभी अभी आर्टिकल पढ़ा उस पे. तुम्हारे डेस्क पे पड़ा हुआ था. इसमें इंसान अपना नाम, अपना पता,
यहां तक कि अपनी पूरी फैमिली को भी भूल जाता है। लेकिन जिसके साथ ये होता है उसकी फैमिली पर क्या गुजरती होगी। मुझे तो ये सोचकर ही डर लगता है कहीं तुम्हें अल्जाइमर्स हो गया और तुम ये भूल गए कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं तो चाहता हूं इस नताशा को हो जाए, कम से कम मेरी ड्रिंक्स और अफेयर्स तो याद नहीं रहेंगे इसको। और रीना को हो जाता ना तो निखिल और इसका पंगा ही खत्म हो जाता। Relax, he's fine. अब तो बता क्या हुआ? लेकिन वो यहां पर मत।
जी वो मेरा कजिन आया था तो 2 मिनट के लिए उससे मिलने कहा था ना। मेम साहब को अकेला नहीं छोड़ना। मुझे पता था कि ग्रेजुअली इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट। मैं भी जानता था सर। अजय, जानना और खुद एक्सपीरियंस करना दो अलग बातें हैं। एज ए डॉक्टर हमें हर रोग हर दर्द के बारे में पता है। उसका एहसास तभी होता है जब वो हमें या हमारे किसी अपने को होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो व्हाट टू डू। जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था उसे मेरी केयर फैसिलिटी में भेज दो जाए, जहां उसकी देखभाल ठीक से होगी। बट हाउ कैन आई सर, आज उसे मेरी जरूरत है। उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बट सर, उसे बेहतर देखभाल की जरूरत है। उसे मेरी केयर फैसिलिटी में भेजकर तुम उसकी मदद ही करोगे। डोंट यू रियलाइज, यहां से वापसी नहीं है। जिंदगी उसके लिए कितनी मुश्किल है तुम भी जानते हो। बिस्तर से उठने से लेकर बिस्तर तक जाने में एट एवरी स्टेप शी वुड नीड हेल्प। आज बच्चे की जान थी, कल वो अपनी जान को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हाय, कैसी लग रही हूं मैं? नाइस, सी आई गॉट न्यू हेयर स्टाइल। मैंने सोच लिया मैं आज से अपना ख्याल रखने वाली हूं। अमन के बाद मैं बहुत केयरलेस हो गई हूं ना। कल से मैं जिम ज्वाइन कर रही हूं। आई वांट टू लर्न द साल्सा अगेन। आई वांट टू डू सो मेनी थिंग्स। कैसा लगा मेरा हेयर स्टाइल? अच्छा है ना? यू लुकिंग गुड हमेशा की तरह। बस यू आर गॉर्जियस हमेशा की तरह। और यू हॉट हमेशा की तरह। एंड यू आर हेवी हमेशा की तरह। तुम ऐसे बोलते हो ना तो मुझे कुछ होता है। Tell me you love me. I love you. Say it again. I love you. Say it again. क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ ना। कहा ना कुछ नहीं। बोलो तो। कह रहा हूं कुछ नहीं। No.
सहेली जैसा सैया, हाँ मैंने तो मांगा था सहेली जैसा सैया,
हाय पिया। हाय अजय। हेलो सर। हेलो मिसेस मेहरा। पिया पिया ये सुधा है। शी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो सुधा से कह देना। शी इज वेरी स्वीट। सारा सामान लगा दिया। ये दवाई ये नो सुधा तुम्हारा ध्यान रखेगी। ये नो डॉक्टर खुराना। डॉक्टर मैं चलूं? चलता हूं। मैं आता जाता रहूंगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैंने सुधा को बोल दिया है। तुम्हें प्यास बहुत लगती है। कमरे में नाइट लैंप भी लगा दिया है। वो पिया को अंधेरे से डर लगता है ना। मैं चलूं? चलता हूं। Something. एक बार एक इंसान के हाथ में मामूली सा जख्म हो गया। धीरे धीरे उस इंसान का जख्म बढ़ने लगा और उस इंसान का दर्द भी। दर्द जब तक उस इंसान के एक हाथ में था उस इंसान का कोई दर्द नहीं था, लेकिन धीरे धीरे दर्द उस इंसान के दूसरे हाथ में फैलने लगा। तो उस इंसान ने अपना एक हाथ बचाने के लिए अपना दूसरा हाथ अपने आप से अलग कर दिया जिसमें दर्द था। उस इंसान के उस हाथ को पता भी नहीं चला, लेकिन दर्द उस इंसान को हुआ जो उस इंसान के साथ सारी जिंदगी रहेगा। वो इंसान भी इंसान ही था पिया। मैं भी तो इंसान ही हूं। I'm trying to... कुछ भी भूल जाना, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि I love you. Always. अपनी धूप बुझाए बिन
मेरी छाँव में आ जाओ, चलो यूं करें, तुम भी रहो, मैं भी रहूं, हम भी रहें, तीनों मिलके साथ चले, साथ ही जन्म जन्म, यू मी और हम, यू मी और हम, यू मी और हम, I think आपने केयर फैसिलिटी भेज दीजिए, मैं उनकी देखभाल बैठ रही हूँ। डॉक्टर साहब ऐसे कैसे भेजें? हमारे पिताजी हैं, हम इनकी देखभाल घर पर कर सकते हैं, चाहिए तो नर्स रख लेंगे। एक दिन तो वो लम्हा भी आना है, दोनों में से एक ने चले जाना है, हो एक दिन तो लम्हा भी आना है, दोनों में से एक ने चले जाना बातें सभी हम तुम जान ले अभी हम तुम हो दोनों मिलके साथ में ऐसे जीना सीख ले ताकि जो पीछे रहे उसको ना हो मुश्किल। आज अमन का बर्थडे, विश नहीं करोगी? आपका नाम क्या है? या माले, आज इसका बर्थडे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जैसे साया साथ चले साथ रहें, यू भाई जरा अजय, अजय अजय, मिसेस मेहरा क्या हुआ? मिसेस मेहरा कौन है आप? मैं सुधा, आप पहले शांत हो जाइए। अजय कहाँ है? हम उन्हें बुला देंगे। मैं कहाँ हूँ? बैठिए, आप शांत हो जाइए। अजय मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगी।
ये सुन, जज ने आदमी से पूछा तुम अपनी बीवी को डिवोर्स क्यों देना चाहते हो, तो आदमी बोला आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय वाइफ। तो जज ने औरत से पूछा क्या ये सच है, तो बोली जज साहब सारा मोहल्ला सेटिस्फाइड है, बस ऐसी के ना करें। वो फिल्म याद है निखिल, क्या नाम था, उसको कसम लगी जो बिछड़ के एक दूजे के लिए साथ में देखी थी स्कूल से भागकर। हम बने तुम बने एक दूजे के, वो फिल्म मैंने 11 बार देखी। क्यों, एक बार देख के समझ में नहीं आई थी? एक्चुअली मेरे घर के सामने एक लड़की रहती थी, मैं फिल्म देखकर आता फिर बालकनी में खड़ा होकर उसे देखता और कहता हम बने तुम बने एक दूजे के, उसके चक्कर में 11 बार देखी। जब 11 बार देखकर आया तो देखा मां रो रही थी, पता चला मेरा बाप मेरी मां को छोड़कर चला गया किसी और के साथ, उसने भी देखी होगी एक दूजे के लिए। लेकिन उसके बाद मैंने वो पिक्चर फिर से नहीं देखी, सोच लिया कि ये हम बने तुम बने सब बकवास है। लेकिन वक्त के साथ ये भी भूल गया, फिर पिया मिली और फिर शुरू हो गया हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। यू नो समथिंग, इससे फेक गाना हो ही नहीं सकता, दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं जीता, सब अपने लिए जीते हैं। उसके कन्वीनियंस के लिए मैंने उसे हॉस्पिटल में नहीं छोड़ा, बल्कि अपने कन्वीनियंस के लिए छोड़ा। वो रहती तो बहुत मुश्किल हो गया था, उसकी देखभाल उसकी दवाइयां, उसको देखता या खुद को छोड़ दिया, क्योंकि मैं उससे ज्यादा अपने आप से प्यार करता हूं। You know, भगवान ने इंसान को बनाया ही ऐसा, आप सामने वाले से कितना भी प्यार करें लेकिन हमेशा अपने आप से थोड़ा ज्यादा प्यार करेंगे। इट्स अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। हमारी साइकेट्री बुक में लिखा है ना कि माँ और बच्चा जब डूब रहे होते हैं तो माँ बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ऐसा वक्त भी आता है जब माँ की सांस फूल रही होती है तो वो बच्चे के सर पे हाथ रख के ऊपर आने की कोशिश करती है। ये सब वो जानबूझ के नहीं करती है, इट्स ह्यूमन नेचर, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ हर, हमेशा उसकी देखभाल करूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपना बच्चा उस औरत के साथ कैसे छोड़ दूं? मेरा बच्चा उस औरत के साथ सेफ नहीं है। देखा, वो मेरा बच्चा हो गया और उसकी मां वो औरत। इट्स ऑल क्रैप, लव इज ऑल क्रैप, यू गाइस आर राइट, स्टे सेपरेटेड। यू नो इट्स नॉट अबाउट यू मी और हम। It's never about you, Meera. It's only about me. Only me. Kya yaar? Mood kharab kar diya. Ek joke sunata hu. Ek baar ek chota bachcha tha. Yaar.
मेरा बच्चा घर पे अकेला होगा। तो पूरा करके जाता रैया, आवाज ही नहीं आती किसी भी चौक पे। याद है जय, तूने कहानी सुनाई थी, एक बार एक गांव में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, सब जगह सूखा था, जमीन सूखी थी, आंखें भी। हार कर गांव वालों ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके सारे गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो गए, इसी उम्मीद के सहारे कि बारिश हो जाए। सब खाली आता है थे वहां, सिर्फ एक बच्चा छाता लेके आया था, क्योंकि उसी को विश्वास था कि बारिश जरूर होगी। अजय, उस कहानी में जो बच्चा था ना, वो तू है। अजय, तू ही तो हमेशा कहता था कि गाइस Come on, always believe in yourself. So where's your faith, Ajay? Books क्या कहते हैं, doctor क्या कहती है, सब क्या तेल लेने। Important है कि तेरा दिल क्या कहता है। जाओ जाके पिया को ले आओ जी। इसलिए नहीं कि she needs you, बल्कि इसलिए because you need her. और तुमने तो कहा था ना, it's all about me. Ajay. You have to bring her back. अब जाएगा या कुत्ता छोड़ूं पीछे? चल जा। Go get her, get her, get her. घर चले निकल। Vicky, let's get married. नदी, आज मैं रिंग भी नहीं लाया और आज ज्वेलर भी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अजय, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? नहीं। तुम जानते हो इसका रिजल्ट क्या होगा? इससे बेटर होगा। तुम समझते क्यों नहीं? तुम खुद एक डॉक्टर हो। पिया को यहां से ले जाकर तुम उसका डॉक्टर। आप जानते हैं कि बीवी को खुश रखना है तो क्या करना चाहिए? हमेशा दो रूल्स याद रखिए। पहला, बीवी से किया हर वादा पूरा करो, और दूसरा, बीवी से कभी कोई वादा मत करो। मैं दूसरा रूल भूल गया था। मैंने उसे वादा किया था कि उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे कहा था कि हमेशा उसकी देखभाल करूंगा। मैंने उसे वादा किया था कि अपनी 25वीं सालगिरह हम क्रूज पे मनाएंगे। अब पूरा तो करना पड़ेगा, है ना? उसे यहां से मत ले जाओ। वो अगर यहां से चली गई तो वो बचेगी नहीं। आप गारंटी देते हैं कि वो यहां रहेगी तो बच जाएगी? कोई डॉक्टर इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन एक पति गारंटी दे सकता है। मैं अपनी 25वीं सालगिरह अपनी पत्नी के साथ क्रूज पर मनाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। और आपको जरूर इन्वाइट करूंगा अगर आप जिंदा रहे तो।
घर चलते। कौन हो तुम? अजय, घर चलते हैं भैया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा हस्बैंड। घर चलते हैं, तुम्हारा बच्चा इंतजार कर रहा है। अमन, अमन इंतजार कर रहा है। बच्चा? हमारा बच्चा, तुम्हारा बच्चा, उसे तुम्हारी जरूरत है भैया, मुझे तुम्हारी जरूरत। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। Yeah. I don't know you. गलती हुई जो मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। I'm sorry. आई ना कभी ऐसा। Don't touch me. Baby, I'm sorry. I promise. आई ना कभी ऐसा नहीं करूँगा मैं। छोड़ मुझे, हाथ मत लगा मुझे। कौन है ये? कितनी wishes है लाइफ की जो पूरी करनी है। याद है हमारी वो wishes? मुझे कोई wishes नहीं मालूम। मैंने कोई वॉल पे कोई wishes नहीं लिखी है। I don't know him. I don't know you. Get away from me. Stay away from me. It's not the right time. Chalo. Yeah, please. एक बार मेरी। I don't know you. अजय. Mrs. Mehra. तुम क्यों नहीं समझते? चलो यहाँ से. अजय उसकी हालत और खराब हो रही है. चलो यहाँ से. Please. One minute, doctor. Ajay, not again. Please, Ajay, please. You don't know me. तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा बच्चा है। तुम्हें याद नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम भूल गई कि हमने विश लिस्ट लिखी थी। लेकिन तुम्हें यह याद है कि वो विश लिस्ट हमने वॉल पर लिखी थी। आज तुम्हें सब याद है, लेकिन तुम भूलने का नाटक करके ये एहसास दिलाना चाहती हो कि मैंने गलती की जो तुम्हें यहां छोड़ दिया। यू वांट टू सैक्रिफाइस खुद महान बनकर मुझे छोटा दिखाना चाहती हो। भूला मैं नहीं, भूला मैं नहीं। रोज आया, रोज तुम्हें आई लव यू बोला और रोज इंतजार किया कि आज शायद आज तुम बोलोगी, लेकिन तुम बोली। अरे गलती हुई यार, गलती हुई जो तुम्हें यहां छोड़ दिया। गलती हुई जो तुम्हारे लाख गिड़गिड़ाने पर भी तुम्हें साथ नहीं लिया। लेकिन मेरी हर गलती को माफ किया तुमने। इस बार भी कर दो। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, damn it. And they lived happily ever after. You know something? प्यार के हर पल खूबसूरत होते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत वो पल होता है
जब आप लड़की को पटाते हैं। और अजय इतना लकी था कि वो पल उसकी जिंदगी में रोज आता था। पता नहीं, शायद उसने सीख लिया था या सच में दोनों सोलमेट्स थे। वो हर रोज उसे पटा लेता था और फिर उसकी जिंदगी में कुछ बोनस डेज भी होते थे जब पिया उसे पहचानती थी। यू नो समथिंग, आज उनकी 25वीं सालगिरह है। तो क्या उसे वो क्रूज पे लेके गया? क्या अजय ने अपना वादा पूरा किया? वो यहीं है, इसी क्रूज पर। आप मिलना चाहेंगी उन्हें? Are you sure? क्या आप आना चाहेंगी एक अजनबी के साथ? कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं जब मैं उस अजनबी को पहचान लेती हूँ, लेकिन तुम नहीं पहचान पाए कि आज तुम्हारा बोनस डे है। तुमने आज फिर मुझे बकरा बनाया। ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं थी, भगवान ने तुम्हें पहले से बकरा बनाया हुआ है।
हम